अस्सलाम वालेकुम, राहत सेहत के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त किस्म की वाइट बिरयानी, कह लें आप या वाइट पुलाव कह लें, ज़बरदस्त बनेगा और बहुत सारी टिप्स के साथ बनेगा। मेरी नवासी भी आई हुई है आज, बरीरा। तो ये बरीरा है, इनसे मिलें। भैया हाय कर दें सबको, हाय तो कर दें। हाय कर दिया, हाय कर दिया। चलें ठीक है भाई, भैया आप इधर साइड पे आ जाइए, मेरे पास खड़े हो जाइए। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं मटन, या मैंने मटन लिया हुआ यहाँ पर, 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 2 चीज़ें और डालकर इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ गोश्त में ऐड करने वाली हूँ 250 ग्राम ये योगर्ट है, दही ये इसमें ऐड कर दिया है मैंने। ये दही ऐड किया है ना बरीरा, ठीक है, ये दही इसमें ऐड हो गया। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे हसबे जायका नमक, जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो नमक, वो आप इस यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये नमक यहाँ पर, जी सॉल्ट ये ऐड हो गया इसके अंदर। अच्छा, हाथ मेरे अच्छे से धुले हुए हैं, साफ सुथरे हाथ है मेरे, तो हाथों को क्लीन करना ज़रूरी है क्योंकि मिक्स 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 करना है हमें। इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद, अच्छा मैंने गोश्त को ना सिरके में थोड़ा सा भिगा दिया था ताकि इसका जो ब्लड है या जो भी ये चीज़ है उसके अंदर साफ़ सुथरा हो जाए। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है, सफाई का। ये मैंने कर दिया है, इसको मिला दिया है और तो नमक के साथ मैंने इसको लगा दिया है और इसको अब मैं रैप कर दूंगी। तकरीबन आप इसको, आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप दो घंटे के लिए भी इसको कर सकते हैं, और कम टाइम हो तो आप तकरीबन 30 मिनट तक तो इसको रैप करेंगे। और रैप करके इसको फ्रिज में रख देंगे क्योंकि गर्मियों का सीज़न है तो ख़राब हो सकता है आपका जो भी रेसिपी आपकी है। तो व्यूवर्स हम कवर को अब हटा देंगे, ठीक है। और ये देखें जो है हमारा अच्छा सा जो है वो मैरिनेट हो गया है नमक और दही के अंदर, इससे ये सॉफ्ट हो जाता है, ये एक सबसे बड़ी टिप है। अच्छा, अब इसको हम डालेंगे कुकर में, क्योंकि मैं कुकर में गला रही हूँ, मैरिनेट किया हुआ है, उसके बावजूद अच्छा गल जाए तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको मैं, आप कुकर में ना चाहें तो नहीं कीजिएगा, आप सिंपल पतीली में कर लीजिएगा तो 20 मिनट या 25 मिनट थोड़ा और ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन मैं कर रही हूँ इसमें। इसमें अब ऐड करूँगी मैं ये हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है, क्योंकि इसमें लाल मिर्च जाएगी नहीं, हरी मिर्ची ऐड होगी। तो मैंने यहाँ पर 8 से 10 हरी मिर्चें ले ली थी, ये तीखी हरी मिर्चें हैं। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 प्याज, साबुत प्याज। अब इसके अंदर जा रहा है 1 चम्मच जो है मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, बल्कि 2 चम्मच यहाँ पर मैंने डाल दिया है साबित धनिया, ये इसमें ऐड हो गया है। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा ऐड कर रही हूँ यहाँ पर, ज़ीरा ऐड हो गया। बरीरा आपको क्या देखना है, देखना है अंदर तो देख लें, चलें देख लें, शाबाश दिया। और यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून जो है मैंने डाली है सफ़ेद मिर्च, ठीक है। और यहाँ पर जाएगा नमक, नमक भी ऐड कर देंगे, नमक हमने पहले भी डाला था, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, फिर जो है चावल के हिसाब से नमक डालेंगे बाद में। और इसमें जा रहा है नींबू का रस, ये हमने ऐड कर दिया। सौंफ डालूंगी, ये इसका ख़ास जुज़्व है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। और इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक, जो कि किसी भी बिरयानी और पुलाव की जान होता है। तो ये सब चीज़ें हमने ऐड कर दी। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर लेंगे, तो जिसमें मैंने जो है मैरिनेट करके रखा हुआ था वही वाला दही वाला पानी जो है वो इसमें ऐड कर दूंगी मैं। और थोड़ा पानी हम ज़्यादा रखते हैं, आपको पता है कि अगर हम 5 गिलास रखेंगे तो 2 गिलास जो है वो जल जाएगा और 3 गिलास जो है वो यखनी के लिए होंगे, क्योंकि यखनी वाला ये पुलाव बन रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो पानी बचेगा उसी में चावल जो है वो बॉईल हो जाएंगे। तो ये हमने ऐड कर दिया जो है बंद करने से, कुकर को बंद करने से पहले यहाँ पर कुछ गरम मसाले ऐड होंगे, जिसमें दालचीनी है, तेज़पात है, काली मिर्च है, लौंग है और बादियान के फूल हैं, ये भी इसमें ऐड हो जाएंगे। और इसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी और 20 मिनट के बाद मिलते हैं। तो व्यूवर्स हमें जो है 20 मिनट हो चुकी है और हमने जो है इसे बंद कर दिया था कुकर को, और ये देखें गोश्त गल गया है, उसकी शक्ल से आपको लग रहा होगा, इसको देख भी लेते हैं, दिखा देते हैं आपको, चेक करा देते हैं। ये देखें कैसा ज़बरदस्त गोश्त गला है, तो ये गोश्त गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो यखनी है, यखनी भी दिखा दें आप, हादिया तो ये देखें ये यखनी है, इस यखनी को गोश्त से अलग करेंगे हम,
यहाँ पर मैंने डाला है, इस पर रखते हैं स्ट्रेनर और स्ट्रेनर रखकर इसके ऊपर सारा गोश्त निकाल लेते हैं और यखनी नीचे चली जाएगी। ये देखें जबरदस्त किस्म की यखनी नीचे जाएगी और गोश्त जो है हम इसके ऊपर डाल लेंगे, सारी यखनी इसमें चली जाएगी, छन जाएगी, ठीक है ना। मैं गोश्त को भी इसी के ऊपर डाल रही हूँ, सिर्फ गोश्त ऊपर रह जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको अलग कर लेंगे गोश्त को, और अरोमा सारा जो है और जितना भी इसकी यखनी है वो सब नीचे चली जाएगी। ये देखें सारा इसमें ऐड कर दिया मैंने, और नीचे थोड़ा सा उठा के दिखा देती हूँ आपको कि नीचे जो है वो यखनी, देखें ज़बरदस्त किस्म की यखनी जो है वो नीचे जा रही है, बाकी गोश्त ऊपर रह जाएगा। तो वहाँ तक हम जो है अब क्या कर लेते हैं, मसाला तैयार करते हैं जल्दी जल्दी से, और चावल भी हमारे जो है अच्छे से समझ लें कि हमने उसको भिगा के रखा हुआ था। सेला चावल लिए मैंने, ये सेला चावल है, इसको मैंने भिगा दिया था तकरीबन 2 घंटे से, ये भीग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसको भी अच्छा सा फिर धोते हैं 1-2 पानी से। देखें 2 घंटे से ये भीगे हुए थे, अब इनको ना बहुत हल्के हाथ से करना होता है क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा भिगा दिया है, तो अब हम इसको ज़्यादा निचोड़ेंगे नहीं वरना चावल टूट जाएगा, और सेला चावल बहुत बड़ा बड़ा खिला खिला बनता है। तो इसके पानी को हम निकाल लेते हैं, ये पानी हमने इसका निकाल लिया, और इसको 1-2 पानी से और वॉश कर लेंगे। मैंने 1-2 पानी से वॉश किया था लेकिन इसका सारा स्टार्च जो है वो निकल जाए, तो इसको हल्के हाथ से 1-2 दफ़ा और धो लेंगे। तो यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है, 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसमें डाल रही हूँ मैं गरम मसाला, काली मिर्च, बादियान के फूल, और इसमें डाला है मैंने दालचीनी, और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 से 3 जो है वो ग्रीन इलायची, और ये डालने के बाद अब इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। ये 2 प्याज हैं मीडियम साइज़ के, उसको मैंने कट कर लिया था, ये इसमें ऐड हो गया। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है क्योंकि हमें पुलाव का जो है ना कलर वो रखना है वाइट, तो वाइट के लिए ज़रूरी है कि हम इसमें पिंक पिंक प्याज रखें, तो प्याज पिंक होती है। फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर जो है मैंने लहसुन डाल दिया, लहसुन अदरक डाल दिया है, और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें, ये इसमें ऐड करके मैंने उस मसाले के साथ अच्छा सा इसको भूनेंगे, और यहीं पर मैं ऐड कर दूंगी टमाटर, ये ऐड हो गए इसके अंदर, मसाले को भूनेंगे हल्का सा, और इसी पॉइंट पर हम डाल देंगे इसमें गोश्त, ये इसमें ऐड हो गया, अच्छा सा मिक्स कर देंगे इसको, चावल यहाँ ऐड कर दूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और यहाँ साथ साथ मैं जो हमने यखनी बना के रखी हुई है वो भी ऐड कर देंगे, ये इसमें ऐड हो जाएगी, और इसी पानी के अंदर हमारा जो चावल है वो गल जाएंगे। तो हमने यखनी मिला दी है, चावल भी सारे ऐड कर दिए हैं, पानी को थोड़ा चख लेते हैं कैसा है, रमरामा वगैरह की नीड है तो हम ऐड कर देंगे, थोड़ा सा चावलों का नमक भी जाएगा इसमें, नमक हम ऐड कर देते हैं ऊपर से। आप भी अपने घर के टेस्ट के अकॉर्डिंग, जायके के अकॉर्डिंग जो है वो डालिएगा नमक। तो ये नमक जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसको कवर कर देते हैं, जोश आ जाए इसका, फिर पानी ख़त्म हो जाए तो फिर हम इसको दम पे रख देंगे। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का यखनी पुलाव तैयार हो रहा है। तो चावलों को अब मैं दम पे रख रही हूँ, यहाँ मैंने लगा दिया यहाँ पर धनिया अच्छा सा, ताकि इसकी खुशबू जो है दम होते हुए इसके अंदर बैठ जाए। चावल बड़े खिले खिले और ज़बरदस्त बन रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा केवड़ा खुशबू के लिए, ये इसमें ऐड कर दूंगी, और इसको दम पे रख देंगे हम, और मिलते हैं फिर 5 मिनट के बाद ज़बरदस्त से वाइट पुलाव के साथ। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का हमारा वाइट पुलाव तैयार हो गया है, चावलों को आप देख सकते हैं कैसे खिले खिले हैं, बड़े बड़े चावल हैं खिले खिले, और मैंने आपको दिखा दिया था ये तो गल ही गया था, तो
तो इसको अब सर्व करते हैं। देखिए खिले खिले चावल। तो व्यूवर्स, इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को सजाए रखे, आपको बहुत खुशियां दे, आमीन सुमा आमीन। राहत सईद को इजाजत दीजिए अपनी खुसूसी मुआवन हादिया सईद के साथ। अल्लाह हाफिज़।